तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर का सीन, और सीन कुछ इस कदर है। आपको दो दिन से मैं दिखा रहा था तो थोड़ा थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी हो रहा रखा था मौसम। देखिए बारिश इतनी जोर से हो रही है ना, मेरा पैर यहाँ पे यहाँ तक पानी आ गया। ये थोड़ा मतलब ऊंचा जगह है, लेकिन जब ज्यादा बारिश होती है ना तो ही आती है पानी। तो मैं अभी आ गया हूँ नीचे, और नीचे की हालात आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमारा पानी घुस चुका है और ये भी पूरा गीला हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अनिल की मस्ती पे। तो ऊपर वाले का नाम लेके आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आप तक आके पहुंच सके। ओम नमः शिवाय। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर का सीन, और सीन कुछ इस कदर है। आपको दो दिन से मैं दिखा रहा था तो थोड़ा थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी हो रहा रखा था मौसम। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ अपने कॉरिडोर पे और दिखा रहा हूँ आपका बाहर का नज़ारा। ये देखिए बारिश हो रही है। अभी जो एक साइक्लोन आना था वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीचों बीच कहीं पे जाके टकराने वाला था, वो शायद उसका ये जो इफेक्ट है ये आ रहा है, क्योंकि तमिलनाडु पे जो तमिलनाडु के जो चेन्नई है वहाँ पे थोड़ा बाढ़ जैसा हालात हो गया, पानी वानी घुस गया, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है वहाँ पे। एक दो दिन से न्यूज आ रहा है। तो कल तो ठीक ठाक था, लेकिन क्लाउडी क्लाउडी था मौसम पूरा। अभी शायद उसका ही कुछ मतलब इफेक्ट है जिसके कारण बारिश हो रही है। मैं जब सुबह से उठा हूँ ना, तो सुबह से उठ के देख रहा हूँ, ये लगभग मैं 8-8:30 बजे से देख रहा हूँ ये बारिश हो रही है। अभी लगभग 12 बज चुके हैं, तो 4 घंटा उससे पहले हो रहा होगा शायद, या फिर रात में स्टार्ट हो गया होगा। तो कंटिन्यूसली बारिश ही चली रही है। तो हम अभी चलते हैं छत पे, मैं आपको दिखाता हूँ छत पे सीन कैसा, और नीचे भी जाके दिखाऊंगा सीन कैसा, क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली हो रहा है। इससे पहले बहुत जोर से हो रहा था, अभी थोड़ा मतलब कम हो रहा है, मतलब स्लो स्लो थोड़ा हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली बारिश चल रही है। तो हम अभी आ चुके हैं छत पे, और छत की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश तो हो रहा है अभी, ये देखिए, ये जो ऊपर वाला जो छत है ना, यहाँ से पानी आ रहा है ये, और नीचे इसके सपोर्टिंग में कुछ रखा गया था, लेकिन क्योंकि बारिश का सीजन नहीं था तो इसीलिए कुछ रखा नहीं गया। वो कंटिन्यूसली वहाँ पे जा रहा है, तो वो एक छोटा सा होल जैसा कर देगा अगर कंटिन्यूसली 2-3 महीना ऐसा गिरा तो। अगर बारिश आज कम नहीं होता या कुछ मतलब चेंजेस नहीं होता मौसम में, तो मैं वहाँ पे जाके कुछ रखना पड़ेगा मुझे। और ये देखिए हमारा छत मतलब थोड़ा डर्टी है, अभी हम क्लीन करने वाले थे, क्योंकि हम हर साल दिसंबर या जनवरी के महीने में क्लीन करते हैं। ये जो बारिश का पानी है ना, वो तो कंटिन्यूसली एक जगह पे रह के ये जैसा काला काला हो जाता है, इसको सब मतलब क्लीन करना पड़ता है। एक मजदूर या किसको बुलाना पड़ेगा, वो पूरा तकरीबन एक दिन लगेगा ऑलमोस्ट क्लीन करने में। देखिए बारिश इतनी जोर से हो रही है ना, मेरा पैर यहाँ पे यहाँ तक पानी आ गया। ये थोड़ा मतलब ऊंचा जगह है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है ना तो ही आती है पानी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशंस कैसे हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत बारिश हो रही है, और ये बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि जो शादियों का त्यौहार स्टार्ट हो गया, कार्तिक का पूर्णिमा जो था, हम उड़िया लोगों का जो पवित्र पूर्णिमा था वो खत्म हो गया, कार्तिक का महीना खत्म हो गया, उसके बाद से शादी का त्यौहार स्टार्ट हो गया। लेकिन आज जिन जिन लोगों की शादी होगी ना, वो बारिश की वजह से वो उनको बहुत तकलीफ पहुंचेगी। ये भी मतलब वो भी सोचे नहीं होंगे कि इस कदर कुछ होगा, लेकिन क्या करें, ये तो मतलब ऊपर वाले का जो प्रकृति का बोल सकते हैं, कहर बोल सकते हैं, या जो बोल सकते हैं, क्लाइमेट इस तरीके से चेंज होगा और इतनी जोर से कंटिन्यूसली 4-6 घंटा या 8 घंटा बारिश होगी, ये भी किसी को पता नहीं था। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे, नीचे से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ कैसा है। हालांकि बारिश होने से मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है नज़ारा, और मैं बोला था कि सर्दियाँ नहीं है, मतलब जिस हिसाब से होनी चाहिए ठंड नहीं लग रही है। शायद मुझे लगता है कि ये जो बारिश है, बारिश के बाद से ही ठंड जोर से पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन ठंड ना के बराबर है। लोग भी ज़्यादातर अपना जो स्वेटर्स जैकेट्स वगैरह वो पहनते नहीं है, क्योंकि ठंडी नहीं है। तो शायद हो सकता है यही कि बारिश की वजह से ठंड बढ़ जाए, या बारिश के बाद ठंड बढ़ जाए,
तो पहले चलते हैं नीचे और नीचे का सीन आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैं अभी आ गया हूँ नीचे और नीचे की हालात आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमारा पानी घुस चुका है और ये भी पूरा गीला हो चुका है। और क्योंकि हमारे घर के सामने वाले घर में शादी है तो ये सब डेकोरेशन किया गया है, क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत दिक्कत होने वाली है। आगे देख सकते हैं कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है और हमारे यहाँ जो छत का पानी है यहाँ से आ रहा है एक और वहाँ पे आ रहा है एक नीचे, और ये सब छत का पानी है जो लोगों का नीचे आ रही है। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है और कंटिन्यूसली होगी ना तो भी कम होगी तो भी बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो ये देखिए मेरा मोबाइल माइक लगा हुआ है, मैंने ट्राइपॉड पे लगा रखा है, माइक भी लगाया हुआ है तो वो गीला हो जाएगा पूरा। ये देखिए और ये मेरे कॉलोनी की हालात कुछ इस कदर है, आप देख सकते हैं ज़्यादा पानी है नहीं लेकिन अगर कंटिन्यूसली बारिश रहा और ज़ोर से होगा बारिश तो शायद ये पानी हो सकता है। क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और देख रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे तो मैंने दिखाया था कि लास्ट जो मॉनसून में ना पानी यहाँ तक चला आया था पूरा यहाँ तक। तो फिर चलते हैं, हमें अभी जाना है, ये पूरा गीला गीला सब हो चुका है, बारिश तो हमें नाम ही नहीं ले रहा है कि सब जरा गीला हो चुका है पूरा। तो चलते ऊपर, थोड़ा एडिटिंग वगैरह भी करना है मुझे। तो मैं अभी आके पहुंच चुका हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ से मुझे अपने ऑफिस की गाड़ी आके पिक करने वाली है। अभी 5 बजने को और भी 15 मिनट है, मतलब 4:45 है और माहौल देख सकते हैं ये मतलब शाम होने का जैसा फीलिंग दे रहा और ठंडी हवाएं बह रही है, बहुत ज़ोर से ठंड लग रहा है। और मेरी गाड़ी आएगी तो मैं ऑफिस चला जाऊँगा, ऑफिस से वीडियो वगैरह कर नहीं पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है ब्लॉग बनाना या फिर वीडियो वगैरह बनाना। तो मैं जब ऑफिस से आऊँगा रात में तो आपके साथ रूबरू होऊंगा। अभी निकलना है, गाड़ी लगभग आने को है, ऑलमोस्ट पास में ही है मेरा, मैं ट्रैक कर रहा था अभी तो मेन रोड के पास में ही मैं खड़ा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, अभी तक अगर आपको अच्छा लगा हुआ होगा ना वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, मैं आपके साथ रूबरू होता हूँ ऑफिस के बाद, दिखाऊंगा जब रात में निकलूँगा तभी। तो फाइनली आके मैं पहुँच चुका हूँ घर पे और ये देख सकते हैं ये मेरी कॉलोनी है और रात के बज रहे हैं 4:30 और ये पूरा खाली है इस ओर से लेके इस ओर तक। और मुझे भी बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, मैं सो भी गया था गाड़ी में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, अगर लगा है बड़ा सा तुम सब देखिए लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, अगर आपको अच्छा लगा हुआ होगा तो जुड़े रहिए चैनल पे और हर बार की तरह अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए और कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार। जय हिंद, जय जगन्नाथ।